तो फाइनली फाइनली द प्रीमियर लीग, द प्रीमियर लीग इज बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यार. कंप्लीटली हाइप्ड अप, इतनी बड़ी लीग, एक एक गेम एक्साइटमेंट, छोटे से बड़ी टीम्स कोई भी, एवरीवन हैज अ चांस. एंड डेफिनेटली द मार्केटिंग, ब्रॉडकास्टिंग, सब कुछ चीजें भी इनकी हाई होती है, तभी दिस इज द बेस्ट लीग. मेन बात है कॉम्पिटिशन. अब टॉप सिक्स, हमको पता है टॉप सिक्स क्या है, बट यूनाइटेड, चेल्सी, जिस हिसाब से ट्रांसफर मार्केट रही है, वुल्व्स, लेस्टर, एवर्टन ओवरटेक कर सकती नहीं है. कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, एनीवन कैन विन इट, एनी कुछ भी हो सकता है, लेस्टर विन इट. ठीक है, टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट गेम ऑफ दिस सीजन प्रीमियर लीग, मुझे अब भी याद है नॉस्टैल्जिया. मेरी पहली वीडियो जो मैंने शूट करी थी, मैंने अपलोड कहीं नहीं करी थी, वॉज द फर्स्ट गेम ऑफ प्रीमियर लीग पिछले साल, यूनाइटेड वर्सेज लेस्टर. आई वॉज शिट. I have improved a bit, थोड़ा सा. But उससे पहले भी Arsenal versus Leicester, पहली गेम कितनी फार, पिछली गेम कितनी फार, फर्स्ट गेम. नाउ डाइविंग स्ट्रेट इनटू द गेम, नॉर्विच वर्सेस लिवरपूल. नॉर्विच कौन हो तुम? एक सिनेरियो देता हूँ, इसको ध्यान से सुनो प्लीज. इमेजिन करो तुम 10वीं में 10 CGPA ले आते हो, सिंपल सी बात, पॉसिबल भी है. माँ बाप बोलते बेटा अरे साइंस ले, तो तू साइंस ले. बच्चे को लगता है अरे यार मैं तो भगवान हूँ, और कौन है. वो लोडू साइंस ले लेता है, वो साइंस ले लेता है, और उसके बाद साइंस उसकी लेती है. वो क्लास में आता है, और जब वो अपने राइट हैंड साइड पे बिल्कुल फर्स्ट बेंचेस पे फिट जी ऐसे ऐसे बकचोदों को देखता है, धड़ मॉड्यूल्स पे सॉल्व करे जा रहा है, क्वेश्चंस, डाउट, लौड़े लेसन, सब कुछ. वो बंदा जो 10 CGPA ला चुका है, उसका तो मोरल ही छूट गया. तो यही है नॉर्विच सिटी. चैंपियनशिप जीती, बढ़िया, ठीक है बढ़िया, बट प्रीमियर लीग में आ रहे, और पहली गेम अगेंस्ट लिवरपूल है, चैंपियंस लीग विनर्स. रियलिटी चेक मिला, डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट नॉर्विच इन अ डेप्थ. डैनियल फार्के, द मैनेजर ऑफ नॉर्विच सिटी, काफी सही हिस्ट्री है इसकी यर्गन क्लॉप के साथ. क्लॉप मैनेज कर रहा था, ही वाज वर्किंग अंडर समवेयर, कुछ भी बकचोदी, यानी कि दोनों साथ एक सिस्टम में थे. जर्मन मैनेजर, एक भी बेसिक सी चीज, अगर मैं जब भी कोई जर्मन मैनेजर के बारे में बात करता हूँ, जैसे कि राल्फ हासन हुतल, व्हेन ही केम टू साउथहैम्पटन, प्रेसिंग, जीजन प्रेसिंग, फिजिकलिटी टेक्निकलिटी का ब्लेंड, बहुत ही बैलेंस्ड फुटबॉल. अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि बुंडेसलीगा को स्पेसिफाई करो कैसा फुटबॉल है, स्पेनिश में तो टेक्निकल है, इंग्लिश में फिजिकल है, ब्लेंड, वहां पे ब्लेंड, घर की रोटी खाइए तो बाहर भी तो ये दिखाओगे. डैनियल फार्के इज ऑल्सो डूइंग समथिंग वेरी सिमिलर विद नॉर्विच, बहुत ही फार जा रहे हो. यूजुअली व्हेनेवर आई सी एनी बिलो टीम फेसिंग लिवरपूल 4-4-2, 5-3-2, 4-5-1, 4-4-1-1, 4-1-4-1, यही दिखता और कुछ दिखता नहीं मुझे. 4-2-3-1, अरे भैया इतने टट्टे कहां से आ रहे हैं. गेन जो मैंने एग्जांपल दिया था वही बच्चे का 10, वो बच्चा छाती चौड़ी करके गया, बट रियलिटी चेक मिल गया. ये तो थी नॉर्विच, नॉर्विच की अप्रोच 4-2-3-1, 4-2-3-1, यानी कि तुम ऑफेंसिव फेज में खेलना चाहते हो, रियली वांट टू गो ब्लॉक टू ब्लॉक, और फाइनल थर्ड में फ्लुइडिटी चाहिए, यू वांट टू क्रिएट दैट बेस ताकि प्लेयर्स ड्रॉप करे, बेसिक सी बात, यानी कि यू आर नॉट गोइंग टू सिट बैक, तुम छूत मारने वाले हो. कमिंग टू लिवरपूल, क्या वो अलाउ करेंगे लिटरली. नाउ लिवरपूल ट्रांसफर विंडो अच्छी नहीं गई इतनी, डेफिनेटली हार्वी एलियो, ये अपना वैंडनबर्ग, आद्रियान, किसी को लग रहा होगा कि आद्रियान यूजलेस था, और अगर किसी ने भी FPL में एलिसन को यूज किया है, RIP. आद्रियान अब UEFA सुपर कप खेलेगा, ठीक है. बट स्टिल मीडिया क्वेश्चन करती रह गई, क्लॉप कुछ तो साइन कर ले भरवे, कुछ तो कर ले, चैंपियंस कुछ मेंटेन करना है. क्लॉप का सिंपल आंसर, वी कांट साइन मार्की साइनिंग्स एवरी सीजन नाउ एंड देन, चूतिया नहीं है. एंड वी वोंट मेक साइनिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ साइनिंग समवन, ये बहुत बार रिपीट किया. Again, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, क्लॉप इज नॉट चूतिया, ही नोज हिज शिट, ही नोज हिज टीम, देयर इज अ रीजन व्हाई ही इज स्टेइंग, अदरवाइज वो चला जाए कहीं भी. एंड एवरी नाउ एंड देन एवरीबॉडी कीप्स ऑन सेइंग ललाना ऑक्सलेट चेम, अरे न्यू साइनिंग्स तो है. मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि यार अगर वही बकचोदी, अगर सलाह इंजर्ड हो जाए, अगर माने इंजर्ड हो जाए, जिस हिसाब से मेरा क्वेश्चन था कि दे हैव बीन प्लेइंग सो मेनी गेम्स, अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस कितनी एंड तक चला, आई वॉज सरप्राइज्ड द वे माने प्लेड, द वे सलाह प्लेड, लंड खड़ा कर दिया. इफ दे आर प्लेइंग लाइक दिस इन द फर्स्ट गेम, देन व्हाई नॉट दे विल कंटिन्यू, सिंपल सी बात. अगेन अगर कोई इंजर्ड हो जाता है, हैव दे गॉट इनफ डेप्थ, और एक ही है मुझे पता है, बट कौन, हैरी विल्सन तो बोल रहे मत भेज दिया, वो सरप्राइज, हैरी विल्सन शुड हैव स्टेड. बट अब बकचोदी ने, अब सीधा गेम पे, लिवरपूल की अप्रोच, लिवरपूल इस सीजन में स्पोर्टिंग हो या लियोन हो या सेविया हो, सबसे थूक लाके चुदे हैं. व्हेन इट केम टू ट्रॉफी, बट व्हेन इट केम टू कम्युनिटी शील्ड, दे पुट इन अ परफॉर्मेंस अगेंस्ट सिटी, मैंने रिव्यू डाला था. प्रेसिंग, चेजिंग एवरी फकिंग बॉल, एवरी लूज बॉल, हर किसी को पता है. कमिंग टू दिस गेम, टैक्टिकली ब्रेकिंग इट डाउन, लिवरपूल वर्सेस नॉर्विच, लिवरपूल 4-3-3 अप्रोच, एनी डिफरेंट, सेम लाइनअप, सेम अप्रोच दैट दे हैड अगेंस्ट सिटी. अगर सिटी के अगेंस्ट यू कैन बी सक्सेसफुल सेकंड हाफ, डोमिनेट,
Why not against Norwich? चूतिया है वो. As Norwich was set up 4-2-3-1, यानी कि they were not sitting back, offensive, offensive, offensive. And as for Liverpool, उनका तो रोज का काम है. यानी कि if both teams are pressing, if both teams are throwing their men, opposition half में यानी कि end to end football होने वाला है. End to end का मतलब यानी कि बहुत ही कम time पे ball will reach the final third, both ends. दिखा, that's why it was a really good game. High tempo था, मजा आया. The main tactic which Norwich used, यानी कि तुमको attack करना है, तुमको अपने fullbacks आगे ले जाने पड़ेंगे ही. From block to block, fullbacks are moving high the pitch. Then numbers से combine करना, then he's combining with Stiepner number 10. Offensive phase में आना, फिर players को drop करना, fluidity, creating that base, having the guts to do that, but defensively चूती हैं. Due to that fluidity, I think in the first half also Norwich were really good. Combine कर रहे थे, they were finding that split between the lines, चीजें बन रही थी. I think they started really well, but Origi को left में ball मिली, बॉल अंदर गई. क्या बकचोदी कर रहा है यार, पहली गेम है प्रीमियर लीग की, बेंचो चैंपियनशिप जीत के आए हो, कुछ तो इज्जत रख लो. ऐसा चूती वाला डिफ्लेक्शन, पैरालाइज हो गया, लंगड़ी चुत गई है, क्या हुआ. फॉर दैट गोल मुझे लगा सेम में काफी इवन गेम होने वाली, बट उसके बाद तो बस हाईलाइट ही देख लो. फिर स्लोली स्लोली लिवरपूल गैदर्ड देयर प्रोग्रेशन, बॉल को पोजेस करना, फाबिनियो का रोल दिखा, इनी वाइनाल्डम प्रेसिंग हाई, सेकंड लाइन को काफी पुश करने के लिए, एंड स्लोली स्लोली नॉर्विच वर वेरी वेरी डीप. देखिए वर्सिटैलिटी, फिर घूमे सिक्के, साला कितनी वाइड गया, कितनी सेंटर आया, फर्मिनो कितनी वाइड, फिर तो फ्लुइडिटी दिखी बस. एंड द वे ओरिगी अटैक द बॉक्स फॉर द थर्ड गोल, कौन सा गोल था वो, जो ट्रेंट की बॉल थी, व्हाट अ गोल. एज नॉर्विच वर बैकिंग अप, नर्वसनेस दिख रही थी, लंड कांप रहे थे, हाथ कांप रहे थे, पता लग रहा था कि प्रीमियर लीग में आ गए, साइंस ले लिया और फिर जी वाले बंदे बैठे. हाउ द फर्स्ट हाफ पास्ट, सेकंड हाफ कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, अब तो कुछ तैयारी करनी पड़ेगी. टीएपनर द नंबर जो भी था, उसकी जगह लाइटनर आया, प्रॉपर नंबर 10, फिर दिखी डायरेक्शन, वॉज ड्रॉपिंग रियली डीप, एंड वेन यू ड्रॉप रियली डीप टू रिसीव the ball, to solve problems, connect करना, players को आगे to and fro जाने देना, fluidity देना, actually time period अपनी ball पे थोड़ा बढ़ाना, यानी कि position हल्का सा रखना middle third में, तो यानी कि अगर मैं Henderson और अगर मैं Gini और Fabinho हूँ, कहाँ जाऊँ मैं उसको रोकूँ या wings पे press करूँ. कंफ्यूजन देखी, प्रेसिंग थोड़ी स्लो ही और अच्छा काम किया. स्लोली स्लोली ब्लॉक बाय ब्लॉक दे गॉट दिस लाइसेंस, फाइनल थर्ड में फिर से फ्लुइडिटी 4-1-4-1 के तौर पे. एंड एज वी नो विंग बैक्स कितना भागते हैं, हिलाते भी नहीं, तो हर्नांडेस को लाए, वो विंगर है, और एक्सप्लॉइट करा और चीजें हुई. नेवर रियली कॉस्ट ट्रबल. आई रियली थिंक लिवरपूल अलाउड मेनी थिंग्स बिटवीन द लाइंस, बैकलाइन को बोलूंगा नहीं, बट देन दे गॉट गोल. मोसाला इजिप्शियन, अरे यार तू तो वन सीजन वंडर था, क्या हो गया, तू तो मारे जा रहे, रुक जा. फिर ट्रबल्स कॉज किए, अच्छी टीम है मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से दे स्टार्टेड द सीजन, फर्स्ट गेम टू प्ले अगेंस्ट समवन लाइक लिवरपूल, दैट ब्रांड ऑफ फुटबॉल, इवन बाय बीइंग हैमर्ड 4, जो पुक्की का गोल था, देखा तुमने कैसे बिटवीन द रन जाके टू पिक दैट पास. एंडी रॉबर्टसन को ऑन साइड रख रहा था, बट स्टिल आई कैन रियली प्रिडिक्ट नॉर्विच में कुछ तो चल रहा है, डैनियल फारके कुछ तो कर रहा है, कुछ तो गेम प्लान आ रहा है, कुछ प्रैग्मेटिज्म आ रहा है, कुछ अपना ला रहा है, कुछ काम कर रहा है, दिखेगा, लिटरली दिखेगा. नॉर्विच पे नजर रखो. एज फॉर लिवरपूल, कंफर्टेबल विक्ट्री, एम्फेसिस ऑफ प्रेसिंग. व्हेनेवर आई टॉक अबाउट लिवरपूल, आई नो बट मैं काफी ट्राई करता हूँ बट देयर इज नथिंग मच टैक्टिकल, इट्स ऑल अबाउट चेजिंग एवरी बॉल, प्रेसिंग फ्रॉम ब्लॉक टू ब्लॉक. And that for me, no, number 9, between the lines license, simple. एक लाइन में समराइज करना, यानी कि for example, अगर हैंडरसन के पास जो फुलबैक है, उसको बॉल मिल रही है और वो आगे बढ़े जा रहा है, एंड हैंडरसन आउट ऑफ पोजिशन जाने के लिए भी उसको क्लोज डाउन करके आएगा, ऐसा है कि अगर तुमको एक बंदा दिख गया, चाहे तुम कहीं पे भी हो, उसको क्लोज डाउन करके ही लाओ, ऐसा फुटबॉल है. And this was the first game of the Premier League, the best league in the world. First game 4-1, रात का टाइम, एनफील्ड, हरी हरी घास, बारिश जो हुई थी पहले, क्या चाहिए. और पिछली बार बस एक गेम हारी थी क्लॉप ने प्रीमियर लीग में, इस बार इनफ है, मुझे पता नहीं. सिटी की गेम है कल, स्पर्स की गेम भी है, टू ऑफ द मोर कंटेंडर स्पर्स, हाँ, क्योंकि सेल्सो सिसिनियन एतांगी एंडोम्बेले, तमीज से बात करो थोड़ी. लिवरपूल स्टार्टेड वेल, थोड़े से डाउट्स थे कि मार्केट की वजह से, बट स्टिल व्हाट अ स्टार्ट. टू गेम्स, कम्युनिटी शील्ड एंड दिस वन, हाई थ्रॉटल परफॉर्मेंस, प्री सीजन को धोखा देते हुए, लंड खड़ा करते हुए, एंड मे हिट कंटिन्यू, दांत चबा दो यार बस, एंड तक रेस रहे, मजा आ जाए.